नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप सभी का स्वागत है न्यूज क्लिक के शो डेली राउंडअप में। आई नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग को लेकर किसानों का रेल रोको आंदोलन। दिल्ली की ट्रेड यूनियन की साइकिल यात्रा में उठे मजदूरों के ज्वलंत मुद्दे। जम्मू कश्मीर में 3 प्रवासी मजदूरों समेत 6 लोगों की हत्या। अर्बन कंपनी के बिजनेस मॉडल पर उठते सवाल। और आखिर में हम बात करेंगे कोरोना अपडेट की। देश में 230 दिनों में कोरोना के सबसे कम नए मामले। SKM यानी संयुक्त किसान मोर्चा ने लखीमपुर खीरी हत्याकांड मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय मिश्रा टेनी को हटाने की मांग को लेकर आज यानी सोमवार को 6 घंटे का देशव्यापी रेल रोको आंदोलन किया। इसके तहत किसानों ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई जगह रेल की पटरियों पर बैठकर रेल रोकी। बीते 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी किसान हत्याकांड के तुरंत बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने इस घटना में न्याय सुनिश्चित करने के लिए कई कार्यक्रमों की घोषणा की थी। SKM शुरू से ही अजय मिश्रा टेनी को मोदी सरकार में मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करने की मांग करता रहा है। आज के रेल रोको आंदोलन में रेल सुविधाएं सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बाधित की गई। इसी के साथ आपको बता दें कि लखीमपुर हत्याकांड के शहीद किसानों की अस्थियों के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और अन्य राज्यों में विभिन्न मार्गों पर शहीद कलश यात्राएं निकाली जा रही हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस यानी सीटू ने 25 नवंबर को हड़ताल का ऐलान किया है। सीटू ने कहा है कि यह हड़ताल केंद्र और दिल्ली सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ की जा रही है। सीटू ने दिल्ली के अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों में जाकर साइकिल मार्च के जरिए मजदूरों को इस हड़ताल में शामिल करने के लिए कैंपेन करना शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में पड़पड़गंज, गाजीपुर जैसे इलाकों में 25 नवंबर की हड़ताल के लिए साइकिल मार्च किए गए, जिसमें मजदूरों से उनकी तकलीफों, उनके मुद्दों के बारे में बात की गई। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। इस बीच रविवार को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के लॉरेन गांजीपोरा इलाके में उन्होंने 2 गैर स्थानीय मजदूरों को गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि कुलगाम के वानपोह इलाके के में संदिग्ध आतंकवादियों ने 3 गैर स्थानीय मजदूरों को गोली मार दी। तीनों बिहार के रहने वाले हैं। इनकी पहचान राजा ऋषिदेव, जोगिंदर ऋषिदेव और चुनचुन ऋषिदेव के रूप में की गई है। घायल मजदूर को इलाज के लिए GMC अनंतनाग भेजा गया है। उधर सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए हैं और हमलावरों को पकड़ने के लिए सर्च अभियान शुरू कर दिया गया है। तीनों प्रवासी मजदूरों के लिए बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने 2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। इससे पहले शनिवार को भी पूंछ जंगल के इलाके में आतंकवादी हमलों में 2 अन्य गैर स्थानीय लोगों की मौत हो गई थी। होम सर्विस मुहैया कराने वाले प्लेटफॉर्म अर्बन कंपनी के खिलाफ बीती 8 अक्टूबर को महिला कर्मचारियों को एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। अर्बन कंपनी इन महिलाओं को कर्मचारी न मानकर पार्टनर्स की श्रेणी में रखता है, इसलिए इनका वेतन, भत्ता, काम करने के घंटे कुछ भी तय नहीं है। इस प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कंपनी के सामने शिकायतों की एक लंबी लिस्ट रखी। हालांकि यह प्रदर्शन केवल 1 दिन चला, पर इससे जुड़ी महिलाएं इसे एक लंबे आंदोलन के तौर पर देखती हैं। इन्हीं में से कुछ महिलाओं में से हमने बात की है और उनकी शिकायतें और हालात जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं यह वीडियो। कड़ी धूप में जोर जोर से अपने हक की आवाज उठाती ये महिलाएं होम सर्विस देने वाली अर्बन कंपनी से जुड़ी हुई हैं। अर्बन कंपनी इन महिलाओं को कर्मचारी न मानकर पार्टनर्स की श्रेणी में रखता है, इसलिए इनका वेतन, भत्ता, काम करने के घंटे कुछ भी तय नहीं है। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि हम पे काम का बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा है। इस टाइम पे पहले टारगेट था 30 का, फिर धीरे धीरे 60 का किया गया, फिर हमारी पर्सनल लाइफ खत्म कर दी गई। सुबह 7:30 बजे से स्टार्ट करके शाम के 7:30 बजे तक का काम का स्लॉट इन्होंने दे दिया है हमें, तो उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है पूरे स्लॉट्स के अकॉर्डिंग ही। बट उसमें जैसे हम लेट नाइट काम करते हैं या फिर अर्ली मॉर्निंग काम करते हैं, तो उसका कोई हमारा एक्स्ट्रा बनता नहीं है। आज मैं अर्बन क्लैब में आई थी तो अपना फ्रीडम देखने के लिए तो आई थी, उसी बच्चे के लिए आई थी, उसी परिवार के लिए आई थी कि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकूँ। अब हमें तो लग रहा है वो सैलून ही अच्छा था जहाँ से हम निकल कर आए, इन्होंने आज हमें गधे घोड़ों की तरह घुमा दिया। और बाकी दूसरा ये रहता है कि जैसे हम कस्टमर का कोई भी काम कर रहे हैं और हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, तो कंपनी उस पर प्रेशराइज करती है कि आप कहीं से भी अरेंज कर लो, लेकिन आप ये
बुकिंग ले लो, ठीक। दूसरा, अगर हमें कोई भी परेशानी कस्टमर के घर पे होती है तो उसके लिए कोई हेल्प सेंटर नहीं है हमारे पास, कोई हम कॉल भी करते हैं तो अगर बाय चांस कोई कॉल लग भी जाए तो उसमें हमें सिर्फ इतना बोल दिया जाता है कि माफ़ी चाहेंगे, हम आपकी परेशानी को आगे पहुंचा देंगे, आपकी 24 घंटे तक आपके पास कॉल आ जाएगी या हम आपकी परेशानी को आगे पहुंचा देंगे। और बात बात पे छोटी छोटी चीज़ों पे भी हम पे डबल पेनल्टीज इस टाइम पे लग रही हैं। जैसे कोई भी अगर छोटी बुकिंग से ही हम लें, 600 रुपये की हमारी बुकिंग है और हमें वो किसी वजह से घर के किसी काम से कैंसिल करनी पड़ गई या कोई पर्सनल इशू हो गया तो 600 रुपये की बुकिंग पे हम 800 रुपये तक की पेनल्टी हम पर लग जाती है आराम से। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग नोबडी गेट्स यू नो अ हार्ड कॉपी ऑफ गाइडलाइंस, नोबडी गेट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर आस्क्ड टू गिव देयर आइडेंटिफिकेशन एंड इट्स फिल्ड बाय द कंपनी यू नो सेल्स और व्हाटएवर ऑनबोर्डिंग टीम एंड दे आर आस्क्ड टू जस्ट साइन अ डॉक्यूमेंट, राइट। दे आर नॉट इवन गिवन एनी टाइम टू रीड दिस डॉक्यूमेंट एंड व्हाट दैट डज इज दैट इट क्रिएट्स अ कंप्लीट लाइक लैक ऑफ अवेयरनेस of these systems and then women start experiencing these very ad hoc penalties. It's not just that there's no awareness, it's that many of these penalties are very unjustified. There are new rating systems that are added every you know couple of months. ये rating का क्या system कर रखा है इन्होंने, 50 जो bookings करेंगे ना average उसको लेके चलते हैं ये। अगर जो 50 बुकिंग्स करने के बाद हमारी रेटिंग बढ़ाई जाती है, अगर जो हम एक क्लाइंट अगर जो हमें एक स्टार या दो स्टार या तीन स्टार देता है ना उसको तुरंत नीचे गिरता है, 5-7 तुरंत नीचे गिरा देती है, यानी कि उसके बाद हमें रीट्रेनिंग के तुरंत बोला जाता है आपकी रेटिंग गिर चुकी है, आप रीट्रेनिंग के लिए आओ। अब क्या सिस्टम कर रखा है उन्होंने रीट्रेनिंग में, प्रोडक्ट अपना लाइए, कन्वेंस भी अपना लगा के आइए, 10 दिन दीजिए, सारा टाइम वेस्ट, हमारे घर कुछ आएगा नहीं, ना हम कमा पाएंगे, अपना पैसा भी फूकेंगे, अपने प्रोडक्ट भी फूकेंगे। कोविड आया, कोविड आने से पहले इनकी अर्बन कंपनी हो गई, अर्बन कंपनी में आने के बाद इन लोगों ने हमारे साथ क्रेडिट की भी प्रॉब्लम कर दी, इन्होंने हमारे साथ प्रेशर कर दिया कि आप दिन में इतनी जॉब करोगे, इतनी लीड करोगे, और महीने का इन्होंने टारगेट कर दिया 50-50 टारगेट करने के बाद ना इन्होंने कहा कि अगर आप 50 जॉब नहीं करोगे तो आपकी 2000 रुपये पेनल्टी लगेगी। अब लड़कियां क्या करेगी, अब कोविड का भी समय, अपने घर परिवार को भी देखना, और कोविड में लड़की कितना भागेगी, कैसे भाग सकती, नहीं भाग सकती ना। और अंत में बात कोरोना की, देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की लगातार कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 13,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जो कि 230 दिनों में अब तक का सबसे कम आंकड़ा है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कुल एक्टिव केस की संख्या करीब 1,90,000 है, जबकि इस दौरान 166 मरीजों की मौत के बाद संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 4,52,000 पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार नए आंकड़ों के बाद देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,40,81,315 हो गई है, जिसमें से केवल 1,89,694 केस एक्टिव है। वहीं अब तक करीब 97,80,00,000 कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।